आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme शेयर ऑप्शन के बारे में। जैसा कि अगर आपके पास Realme का मोबाइल है और आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फाइल को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं बिना ब्लूटूथ के या बिना किसी एप्लीकेशन की मदद के बिना, आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में अगर आप फाइल को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या अपने कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप Realme शेयर ऑप्शन से किस प्रकार से अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पे बने रहें। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे दो मोबाइल हैं, दोनों ही मोबाइल Realme के हैं। Realme के अंदर एक नया ऑप्शन है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे हम Realme में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा Realme शेयर, और यहाँ पे दूसरा जो मोबाइल है इसमें भी आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है Realme शेयर। दोस्तों यहाँ ये ऑप्शन बड़ा कमाल का है, इसमें बिना ब्लूटूथ के ही आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में बड़ी आसानी से किसी फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कैसे आप करेंगे हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों, आपको दोनों ही मोबाइल में Realme का जो ऑप्शन है मतलब दोनों ही में आपको ऑन करना होगा। आप यहाँ पे क्लिक करके दोनों में आप ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद आपको अपना फाइल एक मोबाइल से ले लेना है दूसरे मोबाइल में भेजने के लिए। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने इस मोबाइल में फ़ाइल को ले लिया है इस मोबाइल में भेजने के लिए, शेयर करने के लिए। यहाँ पर फाइल हो चुका है, अब यहाँ पर हम शेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा Realme 2। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अगर Realme शेयर का ऑप्शन दिखाई देता है तो उस पर क्लिक करके आप इस मोबाइल को सर्च करेंगे, इसका Realme शेयर ऑन होना चाहिए इस मोबाइल का। फिलहाल यहाँ पे हमारा ऑन है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है Realme 2 देखने को मिल रहा है। हम जैसे Realme 2 के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे आप Realme पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का दिखाई देगा, रिसीव फाइल फ्रॉम। यहाँ पे आपको एक्सेप्ट व डिक्लाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप जैसे एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपकी जो फाइल है वो यहाँ पे इस मोबाइल में आपकी फ़ाइल आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमारी फ़ाइल यहाँ पे आ रही है, जैसा कि यहाँ पे हमारी फ़ाइल आ चुकी है, हमें यहाँ पे ओके व व्यू का ऑप्शन है। जैसे हम व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर हमारी फ़ाइल आ चुकी हैं, जैसा कि देख सकते हैं। तो आप इस तरीके से इस कमाल के इस ऑप्शन से एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फ़ाइल को बिना ब्लूटूथ और बिना किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड किए बिना ट्रांसफ़र कर सकते हैं।